बनाओ वैसा वेट करते करते लास्ट में जितना बेसन नहा धो के खाना वाना खा लिया और अब टाइम हो चुका है चाय का 4 बजे। आज मम्मी जी ने बनाई कूट की राबड़ी। आपका स्वागत है चैनल राज करके आज के नए व्लॉग में। और अभी एकदम से ठंड बढ़ना स्टार्ट हो गया, 2-3 दिन से इतनी ठंडी हवा चल रही है। मैं तो सोच रही हूँ स्वेटर पे शॉल भी ऐड कर लूँ। और ये मैंने ये स्वेटर पहन रखी है ना, ये मुझे कोई इतनी खास पसंद नहीं आई थी क्योंकि कलर की वजह से, कि इसका कलर है डार्क कॉफ़ी ब्लैक सा। और लेकिन मैंने इसे चूज़ क्यों किया, क्योंकि ये जो है हाथ से बनी हुई है और हाथ से बनी हुई स्वेटर्स कम ही मिलती है। दैट्स अभी घर का थोड़ा बहुत काम हो चुका है, सुबह के बज रहे हैं 7:30। झाड़ू अगर हो गया बचाओ, सुबह के झाड़ू पोछे करने के बाद मैं लग गई हूँ खाना बनाने। पहले मैं रोटियाँ सेक रही हूँ क्योंकि सब्जी का अभी तक कुछ फिक्स है नहीं। और आज मैं थोड़ी सी लेट भी हो गई क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि फ़िक्स टाइम नहीं रहता है काम का, कभी जल्दी भी हो जाते हैं फ्री तो कभी लेट भी हो जाते हैं। तो आज थोड़ी सी लेट हो गई हूँ मैं खाना बनाने। आज तो झाड़ू पोछा और काम में भी इतने लेट हो गए ना कि खाने के लिए लगभग अभी 11 बज गए और अब खाने के लग रहे हैं। नहीं तो मैं सुबह जल्दी खाना बना के तैयार करके रख देती हूँ जिसको जब भूख लगे खा लो। दिन यहाँ इतना नहीं कि जैसे गर्म बन रही है तो गर्म ही खानी है, तो इतना आज थोड़ा सा लेट हो गए। कोई नहीं, अभी तो कपड़े और भी बहुत सारे होंगे। मेरे को सीखे तैयार है अभी सब्जी के लिए। भरवा बेसन की जो मिर्ची होती है ना वो बनाने का सोचा है, लेकिन उसके लिए क्या हुआ कि बेसन थोड़ा ही बचा है। हालांकि शॉप तो हमारे घर के बिल्कुल सामने है, बट यहाँ लेडीज़ वगैरह गाँव की शॉप पर जाते ही नहीं है, तो हमें वेट करना होगा। दिन बनाया बायसा का, अगर कोई बच्चे बाहर दिखते हैं तो उनसे मंगवाएंगे, उसके बाद ही सब्जी का सोचेंगे। फिलहाल की रोटी अगर होगी और अक्की को नहलाना है, अभी तो बस एक रोटी और बची है वो सीख लूँ, उसके बाद मैं सोच रही हूँ अक्की को नहला दूँ, फिर जब बना वगैरह लेके आ जाएंगे बेसन वगैरह तब बनाऊँगी मैं सब्जी, और फिर उसके बाद नहाने का रोटी बनाओ वैसा वेट करते करते लास्ट में जितना बेसन था सिर्फ उसी से मिर्चें भर ली हैं और थोड़ी बहुत बच भी गई है, बट इससे काम चल जाएगा अभी के लिए। तो बनाओ वैसा कोई आ नहीं पाती हूँ, आज कल स्कूल का टाइम हो गया 4 बजे तक का शाम को, तो कई बनाओ वैसा तो स्कूल गए हैं और एक दो अगर फ्री है तो उनको और भी काम है, तो बाहर पे बच्चे भी दिखे नहीं, तो दैट्स व्हाई इतना था उससे बना लिया है अभी तो। और ये बनके अभी रेडी है। जब तक अभी पानी रख के आई हूँ अक्की के लिए, जब तक पानी गर्म होता है तब तक के लिए अक्की के लिए अक्की की मसाज कर देती हूँ। और अक्की के मैं जब से जन्मा तब से मैं हिमालय के ही प्रोडक्ट्स इसके यूज़ करती हूँ, दिस इज़ मसाज ऑयल। अक्की की मसाज करने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ रसोई में, क्योंकि मुझे गैस भी साफ़ करना है। तो खाना वगैरह तो बन गया, तब गैस का काम तो हो गया, तो इसे साफ़ कर देती हूँ पहले, उसके बाद में ही जो रसोई का एक्स्ट्रा काम जो भी है अभी बचा हुआ वो सब बाद में करूँगी। पहले से साफ़ करके फिर और काम पे लगूँगी। मसाज करके अक्की को बिठा आई हूँ, थोड़ी देर बाद में नहलाने भी जा रहा हूँ उसे, तो पहले जितनी देर वो बैठा है तब तक के लिए मैं सफाई वगैरह कर लेती हूँ थोड़ी बहुत रसोई की। और वैसे भी उसे मम्मी जी नहला देंगे तो इतना कोई बड़ा है नहीं, बस उसे ड्रेस वगैरह पहनाने का है, तो बाद में जाके देख लूँगी। तो अभी तो मेरी ऑलमोस्ट ये सफाई हो गई है गैस की, तो इसके बाद में रसोई की जो भी अब खाना बनाने के बाद बचे काम वो उन पे लगेंगे। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और एक मदर भी, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डेली व्लॉग्स बनाना, और उसे अपलोडिंग के लिए एडिटिंग वगैरह में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि घर के इतने सारे काम रहते हैं, वो भी करती हूँ साथ में व्लॉगिंग का भी देखती हूँ। तो मैं अगर इतनी मेहनत कर रही हूँ तो देन प्लीज़ सपोर्ट मी, आप लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरी वीडियोज़ को, और सब्सक्राइब नहीं किया था देन प्लीज़ सब्सक्राइब। घर के सारे काम करने के बाद में जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है उसमें मैं शॉर्ट्स वगैरह देख लेती हूँ, अगर शॉर्ट्स वगैरह बनाने हो और वीडियोस बनाने हो तो
वीडियोस भी मैं व्लॉगिंग 2-3 दिन से कर पा रही हूँ, क्योंकि अब इतना ही टाइम मिल पाता है, एक तो घर का काम रहता है, फिर ऊपर से बच्ची का भी हो जाता है। मैंने तो सोचा था कि घर का सारा काम हो गया किचन का, लेकिन पापा जी ने फरमाइश कर दी नमकीन की चिड़की, मैं भी ऐसा सब साफ कर दिया, फिर से बनाऊंगी ना दो के अक्की तो अभी सो गया, मैं सोचूंगी कपड़ा वगैरह धोने का नहाने का। अक्की को तो अभी नहला धुला के सुला दिया है, और अब मैं जाती हूँ कपड़े धोने के लिए, कपड़े धो के फिर नहा के फिर खाना वाना खाएंगे। नहा धो के खाना वाना खा लिया और अब टाइम हो चुका है चाय का, 4 बज चुके शाम के, तो अभी मैं जाऊँगी चाय बनाने के लिए। काय लादा है बेटी ने, अरे यार ये स्माइल आज मम्मी जी ने बनाई कूट की राबड़ी, थोड़ी देर और पकने देंगे इसे धीमी आंच पर, उसके बाद में ही रेडी है। अक्की माचा के नीचे का जाओ बेटी, चावल ही तो भाई तो रोटी है जन कर खराब और काल काल का है।